हे hey दोस्तों, मैं वो शिक्षा और आप देख रहे हैं ड्रॉइड सीक्रेट। तो हमेशा की तरह मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे Redmi नोट 9 प्रो के बारे में, 9 प्रो 5G के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लाता हूँ 4K कंटेंट हर वीडियो 4K में। तो सब्सक्राइब कर लो। तो अभी चालू करते हैं और बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो Redmi नोट 9 ये Redmi नोट सीरीज़ का नेक्स्ट डिवाइस है जो इस साल सेकेंड क्वार्टर तक लॉन्च होगा, और ये 5G टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। मतलब ये 5G इसमें सपोर्टेड रहेगा, और ये फ़ोन आएगा आपको डायरेक्टली सेकेंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर इस साल के बाद से अवेलेबल हो जाएगा। तो इस फ़ोन में आपको मिलेगा एक पॉपअप कैमरा और एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और आप क्या कह सकते हैं कि एमोलेड डिस्प्ले जहाँ पे आपको MIUI 11 या फिर 12 आपको ऑनबोर्ड मिलेगा, जहाँ पे MIUI का हमेशा की तरह वन ऑफ दी बेस्ट फीचर्स के साथ आता है। और ये आपको मिलेगा प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक डिज़ाइन में, प्लास्टिक ये होता है मिक्सचर प्लास्टिक और ग्लास्टिक का दोनों का मिला के। और सेम एज 8 प्रो की तरह यहाँ पे भी आपको 3 या 4 कैमरेज मिलेंगे, जहाँ पे आपको एक प्राइमरी कैमरा मिलेगा जो 108 मेगापिक्सल का रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 8 प्रो में 64 मेगापिक्सल का जो इंडिया में पहला कैमरा था, सेम उसी तरह ये भी इंडिया का पहला कैमरा रहेगा जहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल बैक में मिलेगा। और यहाँ पे आपको फ्रंट में भी 2 कैमरे मिल सकते हैं, जस्ट लाइक आपको Redmi नोट 8 में मिला था। और ये आपको 5G टेक्नोलॉजी स्नैपड्रैगन 765 पे रहेगा, जो इस साल का जो आने वाला है 7 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर है 765। 5G कॉलकॉम ने इस प्रोसेसर को बनाया 5G सपोर्टेड के लिए, जो AI बेस्ड है, जहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड AI और मशीन लर्निंग का मिक्सचर मिलेगा, जहाँ पे आपके गेमिंग परफॉर्मेंस को ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं 730G जो आपके गेमिंग परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए बना है, सेम ये आपके AI इंटीग्रेशन और मशीन लर्निंग को बूस्ट करने के लिए बना है, जिसकी मदद से आपके कैमरा परफॉर्मेंस और आपका फ़ोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है एकदम बूस्ट हो जाती है। और कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल के साथ ही साथ एक 5x ऑप्टिकल जूम कैमरा भी मिलता है, जहाँ से आप लॉसलेस जूम का मज़ा भी उठा सकते हैं। और क्या ही बोलूँ इस फ़ोन के बारे में। तो ये फ़ोन के आने के चांसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हैं कि Xiaomi हमेशा अपने Redmi नोट सीरीज़ में बेस्ट कैमरा को इम्प्लीमेंट करता है ताकि उसकी सेल्स बढ़े। और जैसा कि आप जानते हैं कि Redmi नोट 7 जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो Redmi नोट 8 प्रो में जहाँ पे उन्होंने मीडिया टेक का गेमिंग प्रोसेसर उन्होंने लॉन्च किया और वो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया था बेस्ट। तो यहाँ पे 765 प्लेटफॉर्म जो स्नैपड्रैगन का है उससे लॉन्च करके ये अगेन अपने बूस्ट और बायर्स को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे आपको एक वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मिली है जो कहीं आज तक Redmi नोट सीरीज़ हमेशा लैक करती थी, वो है कि NFC। आज तक जितने भी Redmi नोट के सीरीज़ आए जहाँ पे NFC का सपोर्ट आपको नहीं मिलता था, पर इस फ़ोन में आपको NFC का भी सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ तक लीक्स की बात करो तो लीक्स तो बता रहे हैं कि NFC का सपोर्ट है, पर अब देखते हैं NFC मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपको एक इन डिस्प्ले कैम फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो होगा ही होगा। और यहाँ पे आपको 2 कैमरा मिलते हैं, एक है 32 मेगापिक्सल और एक आपको साथ वाइड एंगल मिल सकता है, जहाँ पे आपको एक फुल वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। सो मैं होप एंड आई एम साइनिंग ऑफ, सो सब्सक्राइब कर